थाने खुलने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। एसडीएम ने पूरी जानकारी दी है। उप जिलाधिकारी रतन वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि टेलर सिलाई करने वाले सीमेंट की एजेंसी हार्डवेयर बर्तन की दुकानें सुबह 7:30 से लेकर 6:30 तक खोली जा सकती हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। एसडीएम ने अभी बताया है कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन का पालन और सोशल डिस्टेंस इन सभी दुकानदारों के लिए अनिवार्य है। सर, आज लॉकडाउन को 45 दिन के लगभग हो चुके हैं, जनता जो है ना तरह तरह कर रही है। सर, ऐसे में जो है ना आपके जिला प्रशासन ने कौन सा कदम उठाया है जो लोगों को राहत मिल सके? अभी कुछ दुकानें खोलने का आदेश हुआ है जी, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स की दुकानें हैं, बिजली के पंखे की दुकानें हैं जी, खाद बीज की दुकानें हैं, पेंट की दुकानें हैं, किताब कॉपियों की दुकानें हैं। कहने का आशय यह है कि जहाँ पर कम भीड़ भाड़ वाली जो इस तरह की दुकान है उनको खोला जा रहा है प्रथम चरण में। अच्छा सर, अगर जो बात की जाए परचूनी की दुकानों की, जिससे लोग जुड़े रहते हैं, कहीं जो है ना खाद्यान्न नहीं है तो कहीं तेल मसाला नहीं है, इनको कब खोला जाएगा? यहाँ पर इस तरह की कोई समस्या नहीं है, खाद्यान्न की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमने 25 मार्च से ही होम डिलीवरी करवा रखी है। जो भी परचूनी के हमने ठेले लगवाए हैं तो कोई यहाँ पर समस्या इस तरह की नहीं। परचूनी की दुकानें अभी खोलने का आदेश नहीं है, इसीलिए अभी होम डिलीवरी चालू रहेगी।